हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने तिरंगे का सफ़र कि हमारा तिरंगा किस प्रकार से आज इस हालत में पहुँचा है, मतलब शुरुआत उसकी कहाँ से किस तरीके से हुई थी हमारे भारत देश के झंडे की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1906 ईस्वी में इस तरीके का हमारा झंडा था, ठीक है। बीच में वंदे मातरम लिखा था, सूर्य और चांद था दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1907 ईस्वी में दोस्तों इस तरह से आ गया, चांद के साथ में तारा भी आ गया और ये ग्रीन वाला कलर नीचे आ गया, ठीक है, और वंदे मातरम बीच में पहले उस पर भी लिखा था। फिर 1917 में देखिए ये ब्रिटिश जैसा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1921 में ये झंडा आया, ठीक है, जिसमें देखिए तीन रंग इसमें भी हैं, ऊपर वाइट है दोस्तों, ग्रीन है, फिर क्या है दोस्तों रेड है, और इसमें क्या है चरखा कहीं ना कहीं कुछ हद तक बनाया गया था। फिर 1931 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पूर्णतया चरखा सही रूप से इसमें बीच में शामिल कर दिया गया, जहां पर अशोक चक्र है दोस्तों। उसके बाद 1931 में दोस्तों ये हुआ था। अब देखिए 1947 में क्या हुआ दोस्तों, हमारा प्यारा तिरंगा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। 1947 में दोस्तों तीन कलर का है, ठीक है, केसरिया और व्हाइट और ग्रीन दोस्तों, ठीक। इसके बीच में क्या है हमारा एक चक्र है दोस्तों, जो हमें आगे की तरफ ढकेलता है, यानी कि प्रगति की राह पर चलने का उद्देश्य देता है दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में, देखिए सबसे पहले क्या है कि 31 मई 1921 को कांग्रेस ने पहली बार ऐसे झंडे को मान्यता दी जिसमें हरा सफेद व लाल रंग था। देखिए 1931 में, देखिए 1931 में ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ना, जिसमें कौन कौन से रंग है, हरा सफेद और लाल रंग थे, ठीक है। 1931 में ही तिरंगे में लाल रंग की जगह केसरिया रंग जुड़ा। 1931 में दोस्तों जब ये लाल था ना, इसको फिर केसरिया कर दिया गया जुड़ा। उस वक्त तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चरखा था। देखिए आप देख सकते हैं कि इस समय क्या है, अशोक चक्र की जगह चरखा है। अब दोस्तों 22 जुलाई 1947 को याद रखेंगे, 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाते हैं, 22 जुलाई 1947 को मौजूदा तिरंगे को पहली बार लहराया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये था तिरंगे का इतिहास दोस्तों। देखिए आपसे क्वेश्चन करते हैं कि दोस्तों तिरंगे का डिजाइन किसने किया, अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि तिरंगा का डिजाइनर कौन है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।